तो अभी आपने देखा कि बाबा जी किस तरह खेत की सोहनी कर रहे हैं, जितने उसमें खेत में घास वगैरह हुए हैं उसको अपने हाथों से उखाड़ करके बाहर मेढ़ी जो बना है यहाँ पर देख सकते हैं, मेढ़ी जो बना है वहाँ पर, उस मेढ़ी पर वो क्या कर रहे हैं, घास को रख रहे हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा कठिन होता है खेती गृहस्थी करना। अभी हमसे पूछे भी हैं तो हमने कहा अभी हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों भाई, आपसे हो जाएगा? नहीं, हमसे नहीं। हाँ, सोनी कर लेंगे आप? अच्छा लगेगा सोनी करना? कभी कुछ ही हद तक कर पाएंगे, यानी ढेर वक्त तक हम नहीं रुक पाएंगे। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते ना। तो ये अभी जो पेड़ देख रहे हैं हमारे पास, ये जो पेड़ है ना, ये आज नहीं, हमें लगता है कि हम इस दुनिया में आए भी नहीं होंगे, उससे पहले इस पेड़ की उत्पत्ति यहाँ पर थी। ये उस समय भी इतना ही मोटा था और आज भी ये पेड़ जो है इतना ही मोटा है। इसे कहते हैं ताले वाला पेड़, है तालिक पेड़ है। और इसमें देख सकते हैं ये पेड़ काफ़ी मोटा सा है, दो पेड़ हैं। वो वाला पेड़ जो है अभी तो वो थोड़ा सा टूट गया है, उखड़े जो कट चुके हैं, क्योंकि इस समय के साथ उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। और यहाँ पर आम खाने को मिलता है भाई? यहाँ पर आम तो मिलता है पर बहुत खट्टा लगता है। खट्टा लगता है ना, इसमें का खट्टा लगता है, दोनों में लगता है। बट मैं जहाँ तक बता दूँ आपको, जो पीछे वाला पेड़ है उसमें का मैं बहुत ज़्यादा आम खाया हूँ। और मैं क्या करता था, मैं जब यहाँ पर आता था आज से लगभग, हाँ नहीं कुछ तो, हम जब क्लास 7th में पढ़ रहे थे उस समय की बात बता रहा हूँ, आते थे यहाँ पर और मई जून के महीने में जब आम यहाँ पर आता, ऊपर जाते थे तोड़ करके नीचे गिरा देते थे और उसको घर ले जा करके भूसा, जो धान का या फिर गेहूँ का लीजिए भूसा बनता है, उसमें रख देते थे। और 3 दिन बाद देखते थे ना, तो आम वो इतना ज़्यादा पक करके अच्छा हो गया होता, इतना स्वादिष्ट मीठा लगता था कि मत पूछिए, और खाने में तो काफ़ी मज़ा भी आता था। तो ये कहानी थी इस पेड़ की जो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तो इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर मैं बैठकर। कभी बहुत सारे लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, कभी भी आ सकते हैं। कितना सुंदर सा है, देख सकते हैं आप, गाँव से दूर एक सुनसान और ये नेचर के साथ कितना खूबसूरत है। और ये मेरे भाई, और भाई यार तुम तो यार लैम्बोर्गिनी चला रहे हो क्या यार? कौन सी, कौन बाइक है जी? ओह क्या है, R15। वाह क्या ब्रो, कब खरीदे आप? वेल गाइस, ये जो था, हम